रुपया अगर डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है तो ये भारत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मोदी को जो लोग फंड कर रहे हैं गुजराती एनआरआई उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, उनके लिए फायदे का सौदा है कि रुपया अगर गिर रहा है, डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो गुजरात चुनाव में बीजेपी को इतनी ही ज्यादा वोटी फंडिंग मिलेगी, उसकी इतना ही ज्यादा फंड बीजेपी को मिलने वाला है। तो ये जो बात करते हैं ना राष्ट्र सर्वोपरि, ये इनका ढोंग है, ये इनका ढकोसला है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारतीय जनता पार्टी का बेस एक तरह से गुजरात को माना जाता है, और गुजरात को इसलिए भी माना जाता है कि वहां से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जो सरकार को चलाने वाले हैं, और वहां से बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी इस वक्त नई दिल्ली में हैं, जो एक तरह से देश को संभाले हुए हैं या क्या कर रहे हैं वो तो आपका फैसला है। जो कुछ आप हम देख रहे हैं वो हम रोजाना डिस्कस करते ही हैं, लेकिन इस साल के आखिर में दिसंबर में गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली के, और असेंबली इलेक्शन जब वहां के होंगे तो जाहिर है उसमें भारत सरकार चलाने वाले नेताओं की साख को भी एक तरह से नापा तोला जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम होने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई है, वो भी वहां तैयारी कर रही है, उसने अपनी कैंपेन अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। इसी इशू पर बात करने के लिए, चूंकि जिस तरह से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री और बहुत सी चीजें, लेडीज के लिए बसों में किराए के बगैर सफर करने की इजाजत, बहुत सी ऐसी चीजें, तकरीबन उसी तरह से वो पंजाब में भी कर रहे हैं। 300 यूनिट हर महीने फ्री देने की बात कर रहे हैं, उसमें कितना इंप्लीमेंट हुआ कितना नहीं हुआ वो अभी वक्त के साथ साथ देखने को मिलेगा, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें अट्रैक्शन है, क्योंकि एक तरफ तो वो पार्टी है जो खाने पीने की चीजों पर भी 5% GST लगाने वाली है, एक तरफ वो पार्टी है जो बहुत सी चीजें फ्री देने के लिए तैयार है। फ्री की कहानी जो है वो साउथ इंडिया से शुरू हुई थी, वहां हम सुनते थे कि वो खाने की चीजें फ्री या 2 रुपए किलो चावल वगैरह वगैरह, अब नॉर्थ इंडिया की सियासत में भी ये आ चुका है। और ये समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त अहमदाबाद से पत्रकार हैं सहेल कुरैशी साहब, जो एक यूट्यूब चैनल देश लाइव के नाम से चलाते हैं, काफी मकबूल है, काफी पॉपुलर चैनल है। सहेल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी है, आप एक पत्रकार के तौर पर वहां क्या कुछ देख रहे हैं, ग्राउंड पे क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? जी काजमी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आज के दौर में, गोदी मीडिया के दौर में, आप जो एक लो जला रहे हैं लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की, और सबसे अच्छा आपका ये रहता है कि जहां की खबर होती है वहीं के लोगों से आप बात करके लोगों तक असली खबर पहुंचाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे भी वक्त दिया अपने प्लेटफॉर्म पर आने का। जिस तरीके से गुजरात के चुनाव हैं काजमी साहब, दिल्ली का हमने देखा 2014 में, जब केजरीवाल दिल्ली में जब लड़े थे विधानसभा का चुनाव, कुछ सीटें उनकी आई, और उसके बाद में जितने भी चुनाव हुए तो केजरीवाल को आप ये कह सकते हैं कि वो अंडर करंट रही आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए। दिल्ली की अगर बात करें तो पहले चुनाव के बाद, जब किसी को पहले चुनाव में भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सीटें जीत जाएंगे ये, उसके बाद दूसरे बार चुनाव हुए जब कांग्रेस के साथ में नहीं जम पाया, दोबारा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी कैसे बहुमत से आई सबने देखा। पंजाब के चुनाव का आप देखिए, वहां पर भी अंडर करंट काम किया, सारे सर्वे और सब क्या बता रहे थे, लेकिन किस तरीके से केजरीवाल की पार्टी ने क्या किया ये सबने देखा। अब अगर बात करें गुजरात की, तो बिल्कुल आपने जो बातें कही कि 200 यूनिट फ्री बिजली का मामला हो, या गुजरात में उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं, तो गुजरात में क्योंकि 27 साल तक यहां पर मोदी का राज रहा, मैं बीजेपी का राज नहीं कहूंगा, मैं मोदी का राज कहूंगा, क्योंकि बीजेपी को मेरे ख्याल से यहां कोई जानता नहीं है, शायद सारे मोदी के चेहरे पर ही यहां पर सब कुछ रहता है। तो यहां पर जिस तरीके से ये बीजेपी के रहते हुए आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर जो मौजूदगी अपनी दर्ज कराने आई, सबसे बड़ी बात लोगों को ये लग रहा है और मीडिया भी यही दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुद्दों की बात कर रहे हैं,
बिजली की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हटकर आप ये भी देखें काजमी साहब, पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल जब अहमदाबाद के दौरे पर आए तो आपको हैरानी होगी, वो बिल्कुल हिंदुत्व वाली छवि उनकी, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई, माथे पर पूरा टीका वगैरह तिलक वगैरह किया हुआ। तो ये तो वही होता है ना कि मोदी ने जो है वो हिंदुत्व में लपेट कर जो विकास दिया, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जो है वो हिंदुत्व के खाके में लपेट कर जो है वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो ये सभी पार्टियों ने मान लिया है कि इस देश की राजनीति, असली हिंदू कौन, बड़ा हिंदू कौन, सच्चा हिंदू कौन, इसी पर चलने वाली है। अब बात करें गुजरात की, गुजरात के अंदर 182 सीटें आप देखिए, पिछले जो चुनाव हुए 2017 में, उससे पहले आप देखें कि जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो गोधरा कांड जो हुआ था और जिस तरीके से 2002 के दंगे हुए थे, मोदी का उरूज हुआ लेकिन बीजेपी का उरूज उस वक्त नहीं हुआ, क्योंकि ये होने के बाद जितने भी चुनाव हुए, 2002 के चुनाव हुए, 2007 के चुनाव हुए, 2012 के चुनाव हुए, 2017 के चुनाव हुए, बीजेपी की सीटें लगातार कम होती गई लेकिन मोदी का कद जो है वो लगातार बढ़ता गया। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि चाहे एक सीट से भी जीते जीत जीत होती है, तो पार्टी का तो कहीं पर भी आप देखिए कि 27 साल तक मोदी के चेहरा बनाकर मोदी को बीजेपी ने राज किया गुजरात में, लेकिन दूसरे राज्यों में 2014 से पहले क्या हालत थी बीजेपी की आप खुद देखिए। तो बीजेपी को तो जो है वो नरेंद्र मोदी ने जीरो कर दिया है, नरेंद्र मोदी ही एक सब कुछ है अब ये लगता है। अब ऐसे में केजरीवाल को भी पता है कि गुजरात के अंदर बीजेपी को भले ही लगातार बीजेपी की सीटें कम हुई हो, 2017 में तो काफी नेट टू नेट फाइट थी और कांग्रेस को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस ने किया भी था, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं राज्यसभा के तब तक कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों की कलाई खुल जाती है और वहां से पता चलने लगता है कि भाई क्या चीज है आखिर। अभी आप देखिए कि भले ही कांग्रेस के 80-83 कुछ यहाँ पर विधायक हैं गुजरात के अंदर, लेकिन जो मौजूदा जो चुनाव हुए राष्ट्रपति के, उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। तो इसका मतलब तो ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं अभी वो भी उनके साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें, गुजरात में आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव की जो शुरुआत की वो कहां से की, उन्होंने 5 यात्रा धामों से शुरुआत की, एक बाकायदा यात्रा निकाली उन्होंने, अलग अलग टीमें उसमें 5 टीमें अलग अलग हिस्सों में बांटी, एक ही तारीख के दिन टीम अपनी निकली उनकी अंबाजी से अहमदाबाद आने के लिए, दूसरी टीम निकली सोमनाथ से अहमदाबाद आने के लिए, तीसरी टीम निकली द्वारका से अहमदाबाद आने के लिए, चौथी टीम निकली नवसारी से अहमदाबाद आने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, क्यों आपको मंदिर से अपनी सब अंबाजी के मंदिर में आपके लोग गए, अंबाजी से फिर आपने यात्रा निकाली, सोमनाथ के मंदिर वहां से फिर आपने यात्रा निकाली। एक तरफ आप बात करते हैं कि आप धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, आप विकास की राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की राजनीति करेंगे, लेकिन आपका कहना कुछ है करना कुछ है, कर वही रहे हैं जो बीजेपी करती है। मोदी भी टेंपल रन खेल रहे हैं मंदिर मंदिर जाकर, राहुल गांधी भी देखिए सॉफ्ट कांग्रेस का भी जो है मुद्दा वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चल रहा है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल का भी जो है उन्हें पता है कि अगर नरेंद्र मोदी से गुजरात में लड़ना है तो दिल्ली की तरह वो सिर्फ मुफ्त की बिजली पानी ये सब देकर नहीं जीत पाएंगे, उन्हें साथ में हार्डकोर हिंदुत्व भी रखना होगा और यही काम केजरीवाल कर रहे हैं। और इसीलिए केजरीवाल जो है वो अगले हफ्ते शायद आने वाले भी हैं और सोमनाथ के अंदर ही वो रैली करने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें साफ दिखाती है कि इस देश की राजनीति गर्क में जा रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब इस देश की राजनीति को धर्म के नाम पर गर्क में लेकर जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे याद है कि जब दिल्ली इलेक्शन के मौके पर जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट का ऐलान किया था तो इन्होंने फौरन कहा था कि नहीं नहीं, हमें एक मजहब के नाम पर कोई सपोर्ट नहीं चाहिए और आप हमें सपोर्ट ना करें, हम अपनी राजनीति जो है वो धर्मनिरपेक्ष उसूलों पर लड़ेंगे। तो ये बहरहाल एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की चीज़ है और आमतौर पर केजरीवाल से ये उम्मीद, आमतौर पर दिल्ली में रहने वाले लोग तो उम्मीद नहीं करते, हालांकि दिल्ली में भी वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के फसादात के बाद में बहुत से लोग उनको सही नहीं समझ रहे, जिस तरह से उन्होंने खामोशी इख्तियार की, सीए एनआरसी वाला मामला हो चाहे और चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के फसादात हों। तो अब ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि टकराव जो है वो अच्छा हिंदू, बुरा हिंदू, बड़ा हिंदू, छोटा हिंदू, इस सब के बीच में, तो ये क्या
केजरीवाल की ब्रांडिंग हार्ड लाइन हिंदू के तौर पर बीजेपी होने देगी या कुछ खेल हो जाएगा इसमें? नहीं देखिए, क्योंकि हम पिछले दिनों कुछ सुन रहे थे कि केंद्र सरकार संसद के अंदर बिजली को लेकर कुछ चीजें लाने वाली, वो नई चीजें क्या होगी केजरीवाल को नहीं पता। मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि मोदी की जो तमाम जो आज तक की राजनीति रही है, आप देखिए प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की राजनीति मोदी की जो है वो गुजरात को केंद्र में रखकर हुई है। हर राजनीति उनकी इसी तरह से हुई है, उनकी कोई भी राजनीति की शुरुआत गुजरात से होती है, गुजरात तक ही होती है। तो अगर वो बिजली को लेकर कुछ बिल लाने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो हो सकता है बीजेपी कोई ना कोई खाका तैयार कर रही हो। और जिस तरीके से कहा जाता है ना कि तोते की जान कहां पर फंसी हुई है वो सबको पता है, तो नरेंद्र मोदी की जान गुजरात में कितनी फंसी हुई है ये सभी को पता है। और इसीलिए वो किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल ज्यादा आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है गुजरात चुनाव में। मैं तो यहां तक कहूंगा काजमी साहब कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी 30-35 सीटों के अंदर निपट जाए इस बार गुजरात के अंदर। और दूसरी एक और बात यहां पर यह खास ध्यान देने वाली बात है कि जो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जो राजनीति है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की राजनीति, तो मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं काजमी साहब कि अगर इस गुजरात के चुनाव के अंदर अगर सही से पूरे तरीके से बीजेपी अगर नहीं सही से कुछ कर पाई, कांग्रेस मुक्त गुजरात अगर नहीं बना पाई, तो ये मान के रखिए कि आने वाले सालों तक बीजेपी कांग्रेस को मिटा नहीं पाएगी। क्योंकि ये जो वक्त है ये बीजेपी का स्वर्णिम काल आप इसे कह सकते हैं। इसी वक्त अगर कांग्रेस को इन्होंने निपटा दिया तो बात ठीक है, वरना तो बीजेपी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर भी नहीं निपटा पाएंगे। केजरीवाल की जो बात है, जिस तरीके से केजरीवाल, क्योंकि देखिए एक बहुत खास बात यह होती है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे गुजरात के नेता हो, अब वो बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी औलादे हैं, उनके बेटे हैं, वो कभी अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए पिछले कुछ सालों से, लेकिन आज भी वो है वो बिल्कुल डट कर बैठे हुए हैं कि नहीं हम ही सब कुछ है कांग्रेस पार्टी के, किसी युवा को हम आगे आने नहीं देंगे। मैं बाकायदा नाम ले सकता हूँ, सिद्धार्थ पटेल हो, तुषार चौधरी हो, कई लोग ऐसे, अर्जुन मोडवाड़िया हो, जो मैं उन्हें फूटे हुए कारतूस कहूंगा मैं, कि जो अपना चुनाव तक नहीं जीत पाते, कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों उनको पाल पोस रही है, यही समझ से परे है। अगर केजरीवाल अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा, क्योंकि बीजेपी ने जहां ये कह दिया है कि हम 150 प्लस लेकर आएंगे सीटें इस बार गुजरात में, और हम विधानसभा को जो है वो गंगा जल से पाक साफ करने वाले हैं, बीजेपी का ये कहना है, आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत रणनीति, ठोस रणनीति बनाई होगी, तभी तो ये बात कह रहे हैं ये लोग। दूसरी तरफ केजरीवाल वो बिल्कुल ब्लॉक लेवल की राजनीति भी कर रहे हैं, हर जगह पर अपनी टीमों को साथ में रख कर बाकायदा पार्टी के इंटरनल सर्वे किए जा रहे हैं, कहां कहां लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं, कहां कहां रैली करने के बाद क्या रुझान है, रैली करने के पहले जनता का क्या रुझान था, बिल्कुल वो कहते हैं माइक्रो लेवल की सारी चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। वहां पर संदीप पाठक जो है उन्हें गुजरात का इंचार्ज बनाया गया है, IIT से पास आउट है संदीप पाठक, जबरदस्त उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बड़ी जबरदस्त कही जाती है। पंजाब जो जीत है उसका श्रेय संदीप पाठक को ही दिया जाता है आम आदमी पार्टी में, और उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तीन यहां पर सीन हो सकते हैं, एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी को साइड में कर कम से कम आम आदमी पार्टी विपक्ष का जो है वो हथियार अपना कांग्रेस पार्टी से छीन ले, और विपक्षी पार्टी जो है वो या तो गुजरात में बन सकती है, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है अंडर करंट माना जाए आम आदमी पार्टी को, और हो सकता है ज्यादा सीटें जीत कर आ जाए आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद के अंदर एक प्रोग्राम किया बिजली संवाद के नाम से, और उस पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ भैया हम बिजली के और ये तमाम चीजें 300 यूनिट हम फ्री में देंगे, पुराने बिजली के बिल हम माफ कर देंगे। तो सीधी बात है कि गुजरात के अंदर जो व्यापारी है, जो कारखाने चलाते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उनको सबसे ज्यादा बिजली का ही प्रॉब्लम रहता है गुजरात के अंदर। आप देखिए, आप सोचिए किसान खेती कब करता है, किसान खेती दिन में करता है। गुजरात एक वाहिद ऐसा गुजरात मॉडल है जहां पर किसानों को रात में खेती करनी पड़ती है, क्योंकि रात में बिजली दी जाती है, दिन में बिजली नहीं दी जाती। दिन में बिजली बिजनेसमैनों के लिए है, कारखाने इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली है, और रात में बिजली किसानों के लिए है। तो ये जो मुद्दे हैं केजरीवाल ने उठाए, बिल्कुल ये जनता को बिल्कुल झकझोड़ने वाले मुद्दे हैं, जनता इस पर यकीन कर सकती है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं
कि इसको ये जो तमाम चीजें 300 यूनिट बिजली अगर देनी है तो हिंदुत्व के रुद्राक्ष में लपेट कर देनी पड़ेगी, आप ऐसे ही हिंदुत्व उनको 300 यूनिट की बिजली वो नहीं लेंगे आपसे। तो केजरीवाल इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं पूरे तरीके से। आप देखिए, क्या गुजरात में मुसलमान नहीं है? 6 करोड़ की आबादी में क्या अरविंद केजरीवाल को मुसलमान नजर नहीं आया? क्यों वो नहीं करते हैं? दूसरा, कांग्रेस के एक विधायक है, मुसलमान है, अहमदाबाद के विधायक है, ग्यासुद्दीन शेख उनका नाम है, उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि कई मर्तबा आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरा संपर्क किया मुझे आम आदमी पार्टी में बुलाने के लिए। अब आप सोचिए, इस पर आम आदमी पार्टी के एक नेता की फौरन प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ग्यासुद्दीन शेख को कभी नहीं बुलाया था या किसी मुस्लिम नेता को हमने कभी नहीं बुलाया, ऐसा कुछ प्रतिक्रिया उन्होंने दी। तो इसका क्या मतलब होता है? कि आप भी बीजेपी की तरह ही करने वाले हैं कि मुसलमान हमसे दूर ही रहे, मुसलमानों से हम कंटेस्ट नहीं कराएंगे। यानी यही बात आती है कि चाहे भले मुसलमान खुश हो जाए, दिल्ली में केजरीवाल आ गए, पंजाब में केजरीवाल आ गए, लेकिन मैं ये देखता हूं, चाहे केजरीवाल हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, मैं तो इन तमाम को एक ही चट्टे बट्टे के देखता हूं। इनके लिए मुसलमान वोट लेना इनके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मुसलमानों को आगे बढ़ाना वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका एक मिसाल ये है कि कुछ वक्त पहले तक अहमदाबाद के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे अमजद खान साहब, पता नहीं अचानक क्या हुआ, उनको उनके पद से हटा दिया। आज अमजद खान साहब कहाँ हैं किसी को नहीं पता। तो क्यों हटाया गया उन्हें? क्या तुम्हें वो म्यूनिसिपल इलेक्शन से पहले उन्हें हटाया गया? तो ये तमाम चीजें ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व पर ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। ये भी एक सीन बन सकता है कि वो कहते त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, कुछ सीटें कांग्रेस को मिले, कुछ सीटें बीजेपी को मिले, कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को मिले। अब देखना यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में मिलकर गठबंधन करेगी, अगर बाय चांस, क्योंकि बीजेपी की अलग तैयारियां हैं। लेकिन अगर ऐसा सीन होता है तो बिल्कुल मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल को यह कह देना चाहिए कि भले ही आपके 12 विधायक आपके जीते हैं, भले हमारे पास 80-90 हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को यह करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, तोते की जान कहां पर है वो सभी को बताए। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को, हालांकि ये दूर की बात है अभी, लेकिन ये तैयारी कांग्रेस पार्टी को रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमने देखा था एक वाहिद इंडिपेंडेंट विधायक था मधु कोड़ा, उसको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन कर मुख्यमंत्री बनवा दिया था ना। तो गुजरात में भी ये तैयारी कांग्रेस पार्टी को रखनी चाहिए, और ये भी तैयारी रखनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि साथ ही साथ आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी इस बार गुजरात इलेक्शन में अपना पूरा दमखम दिखाने की तैयारी में है। तो कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के आगे जाकर आप देखें तो मुसलमानों के लिए भी राह आसान नहीं है। मुसलमान खुद जो है वो बड़ा पसोपेश में है, तजब्जुब में है कि आखिर क्या करे, किसे सही माने, कौन ए टीम है कौन बी टीम है, कोई समझ आ ही नहीं रहा है किसी को। एक तरफ तो जो है वो जबरदस्त चाबुक चल रहा है, दूसरी तरफ महंगाई और हर तरह कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मुसलमान भी परेशान है, और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, उनको मुसलमानों के सिर्फ वोट से मतलब। अच्छा सहेल साहब, आपने एक बात जो कही कि वो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काम आएगी आम आदमी पार्टी, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो जो ए पार्टी और बी पार्टी, बी टीम, जिस तरह से आपने कहा, कुछ लोगों का ये कहना है कि पंजाब में चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर थी और कांग्रेस वहाँ पर मजबूत थी, तो कांग्रेस को एक तरह से ख़त्म कराने के लिए वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दी गई, या ये कहिए कि जो एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो कुछ गड़बड़ी दूसरे स्टेट्स में हुई उसको जस्टिफाई करने के लिए आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी, लेकिन अब गुजरात बीजेपी के लिए काफी अहम है, और काफी अहम है इसलिए कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के ताज के नीचे वो गुजरात ही है उनका बेस, और वो बेस ना खिसके जाहिर है बीजेपी ऐसा चाहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में आम आदमी पार्टी वही हार्डलाइन हिंदुत्व दिखा करके 300 यूनिट बिजली देगी, क्या आप पूरी तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई तालमेल नहीं है, क्या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्या आपका कोई अंदाज ऐसा है?
नहीं, मेरा अंदाज ऐसा नहीं है। मैंने वही कहा ना कि मोदी का जो अपना एक ख्वाब है कांग्रेस मुक्त भारत का, आपने बहुत सही बात कही कि पंजाब के अंदर भी देखिए कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आम आदमी पार्टी ने जगह ले ली। दिल्ली में आप देखिए शीला दीक्षित, हमने देखा 2008 में 10 में किस तरीके से काम की शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको माना जाता है दिल्ली की, लेकिन उसके बावजूद क्या हाल हुआ कांग्रेस का। बिल्कुल अरे बीजेपी ने इस तरीके से कांग्रेस को वहां से आम आदमी पार्टी के जरिए किनारे कर दिया गया कि कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। तो हो सकता है गुजरात में भी शायद यही कुछ बातें हों कि भाई हम दोनों भाई भाई हैं, हम आपस में समझ लेंगे, कम से कम कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, आप आइए ताकि हमारे फाइलें जो है वो अब दबी के दबी रहे, वो फाइलें हमारी बाहर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि केजरीवाल कई चीजों को लेकर शंका के घेरे में है। हमने देखा शाहीन बाग के अंदर जब बैठी थी हमारी बहने माँ बहने जब वहां पर बैठी हुई थी, तब केजरीवाल ने खुद कहा था कि जाइए गृह मंत्री आप जाकर खाली करवा दीजिए सड़कों का। वहां पर क्या उनका रुझान था सबको पता है। दिल्ली में जब दंगे हुए उस वक्त केजरीवाल कहां थे, क्या कर रहे थे, क्या उनका रुझान था, हम सभी को पता है। 3 तलाक पर केजरीवाल क्या कर रहे थे, यह हम सभी को पता है। 370 पर, तो केजरीवाल हमेशा से शंका के घेरे में रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जो बोलती है कि ये बी टीम है बीजेपी की, तो हो सकता है वो भी बी टीम, कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। मैंने जैसा कहा कि मोदी किसी भी हाल में गुजरात कांग्रेस के हाथ में जाने देना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से लगातार पार्टी की सीटें 2002 के बाद से कम होती चली गई, पिछली बार तो 100 भी नहीं आई थी, तो ये बात को बीजेपी खुद भी समझ रही है, और इसीलिए शायद केजरीवाल को स्पेस दिया जा रहा है कि आप स्पेस लीजिए ताकि उस स्पेस में कहीं कांग्रेस आके न बैठ जाए। अगर कांग्रेस आकर बैठ जाएगी तो तमाम ही जो है वो सीधी बातें तोते की जान, तो ये बात वही बार बार घूम कर आती है। तो इस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्पेस दे रही है केजरीवाल को। और जैसा मैंने बताया कि सोमनाथ से वापस से वहां पर केजरीवाल गए माता टेका, क्योंकि सोमनाथ और ये सौराष्ट्र की जो सोमनाथ की अगर बात करें तो तकरीबन 50 विधानसभा की सीटें सोमनाथ रीजन से आती है, और वहां पर जैसा मैंने बताया किसान खेती काफी परेशान है लोग। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ एक हिंदू खड़ा है, वो कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं आपको विकास दूंगा, लेकिन विकास के नाम पर वो कुछ भी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ हिंदू 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 कर रहा है। अब ऐसे में दूसरा कोई हिंदू आता है, वो भी माथे पर तिलक वगैरह लगाता है, वो कहता है मैं हिंदू हूं, मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो हिंदू तो खुद कंफ्यूज होगा, आप अब क्या करें भाई, हिंदू तो ये भी है, हिंदू तो ये भी है, ये हिंदू अच्छा ये 300 यूनिट हमको हाथों हाथ दे देगा, क्योंकि इसने पंजाब में भी दिया है, इसने दिल्ली में भी दिया है, तो इस पर यकीन करना चाहिए। मोदी पर यकीन क्यों करेंगे, क्योंकि 27 साल में मोदी ने क्या दिया, 2014 के बाद से मोदी ने क्या क्या कहा था और क्या क्या हो रहा है ये हम सब ने देखा। महंगाई की हालत देखिए, सिलेंडर की हालत आप देखिए, डॉलर के बदले सामने रुपए की हालत आप देखिए, ये तमाम वो चीजें हैं जो गुजरातियों को काफी प्रभावित करती है। लेकिन इसमें एक और बात, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी गर्क में गई, मोदी का कद बढ़ा, इसी तरीके से भारत हमारा देश गर्क में जा रहा है, लेकिन मोदी का कद बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी को जो फंडिंग होती है, बीजेपी को जो फंडिंग होती है, बड़ा एनआरआई तबका फंडिंग करता है। रुपया अगर डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है तो ये भारत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मोदी को जो लोग फंड कर रहे हैं गुजराती एनआरआई, उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, उनके लिए फायदे का सौदा है कि रुपया अगर गिर रहा है, डॉलर अगर मजबूत हो रहा है, तो गुजरात चुनाव में बीजेपी को इतनी ही ज्यादा मोटी फंडिंग मिलेगी, उसकी इतना ही ज्यादा फंड बीजेपी को मिलने वाला है। तो ये जो बात करते हैं ना राष्ट्र सर्वोपरि, ये इनका ढोंग है, ये इनका ढकोसला है, या अगर इतना ही बीजेपी को वो है तो बीजेपी जारी कर दे कि गुजरात चुनाव में उसको कौन कौन लोग कितना कितना पैसा देने वाले हैं, कितना स्पॉन्सर देने वाले हैं, बीजेपी में अगर हिम्मत है तो करके दिखाए, वो नहीं कर सकेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी की राजनीति गुजरात से शुरू होती है, गुजरात पर ही खत्म होती है, और इसीलिए उनका हमेशा पूरा सेंटर गुजरात ही रहता है, और इसीलिए गुजरात चुनाव में वो कांग्रेस को हर तरह से दूर रखकर केजरीवाल को आगे शायद ले आए, ये साफ साफ जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा आखिरी सवाल, एक जब 2014 का इलेक्शन लड़ा गया था उस वक्त एक सुगबुगाहट थी कि मुसलमानों के वोट को इररिलेवेंट कर दिया जाए, अब वो जो वोट बैंक की जो कहानी हुआ करती है, हालांकि वोट बैंक कभी नहीं रहा मुसलमान, लेकिन वो जो वोट बैंक रैलियों में कहा जाता था मुसलमान का वोट, उसकी अहमियत खत्म हो जाए। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये भी वही तिलक संदूर के साथ आ रहे हैं, और कमजोर होती हुई कांग्रेस,
ऐसी हालत में मुसलमान कहाँ जाए, क्योंकि गुजरात में मुसलमान कारोबार में काफी काफी मजबूत है। पूरे देश में गुजरात का मुसलमान और विदेशों में भी बहुत मजबूत है। और मैंने तो इस हद तक सुना है कि विदेशों में कहीं गुजराती मुसलमान डिस्कस कर रहे थे कि हमें हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं मोदी जी के साथ। तो मोदी जी से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए कैंपेन करें, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, कैंपेन ना करें, आप मुझे गाली दें सड़क पर जाकर के, वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो अब मुसलमान गुजरात का क्या करें? देखिए काजमी साहब, यही बात है कि मुसलमान गुजरात का अच्छा बिजनेसमैन है। मुसलमान गुजरात का अगर अपने अकीदे में अच्छा होता तो बिल्कुल अलग ही सीन होता। आज यही होता है गुजरात में, जब मैं जाता हूँ अलग अलग जगहों पर, जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ तो कई ऐसे मौके आते हैं जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप आइए, आप आवाज उठाइए, आपके साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो कम से कम एक FIR तो आप दर्ज करवाइए। तो वो बड़ा मुसलमान, बड़ा बिजनेसमैन है, वो कहता है नहीं, मेरी फैक्ट्री में ताले लग जाएंगे, सरकार ही, यानी आप मुझे मार दें, आप मेरा गला दबा दें, लेकिन मैं आपके खिलाफ FIR नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरा बिजनेस बंद करा देंगे। तो गुजरात का मुसलमान वाकई में इसी बात में है, बहुत ज्यादा परेशान। अब कंफ्यूजन यही है मुसलमानों की, क्योंकि हमने देखा राजस्थान के अंदर जिस तरीके से वो जो कन्हैया को मारा गया, वो जो मुसलमान था, बताया गया कि वो बीजेपी का था, बीजेपी का सदस्य था। कश्मीर की बात करें, वहां से एक आतंकवाद के आरोप में जिसे पकड़ा गया, बताया गया वो भी बीजेपी का था। तो अब तो जो लोग बीजेपी के अंदर है ना, उनको खुद को बीजेपी के लोग ही अब शंका की नजर से देखने वाले हैं मुसलमानों को। तो वो मुसलमान खुद अपना ठिकाना ढूंढ ले अब कि क्या नहीं, करना होगा, उसमें क्या नहीं उसमें उस करना होगा। उसमें तो सब उसमें तो बहुत ऊपर से चल रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी को बाहर कर दिया, सब नीचे वालों का क्या करेंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल अब तो नाम का भी मुसलमान नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में बता चुके, मुख्तार अब्बास नकवी ने जब शादी की थी धर्म परिवर्तन के बाद मानवेंद्र सिंह नाम रखा था। वो बीजेपी वालों को वो सूट नहीं करता। और एक अयोध्या वाला जो कैंपेन चला उसमें मुख्तार अब्बास नकवी ही बताया जाता रहा, लेकिन वो अंदर से मानवेंद्र बन चुके थे किसी जमाने में जब उनकी शादी हुई थी। ये बात अब तो उस नाम का आदमी भी नहीं चाहिए जिसने पूरी जिंदगी वहां तक पहुंचा हो कि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हो। अब नीचे के मुसलमान क्या कर पाएंगे? तो बिल्कुल, ये देखिए, ये दूसरे जो नीचे के मुसलमान, उनके लिए बहुत अच्छी मिसाल है मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी बीजेपी के लिए, मुसलमानों को गालियां दी, कांग्रेस पार्टी को गालियां दी, उस बीजेपी के लिए। उस बीजेपी ने क्या किया उनके साथ में। और जो गुजरात के मुसलमानों की बात है काजमी साहब, मैं यही कहूंगा, देखिए बहुत देर हो जाएगी जब आप समझने लगे उससे पहले पहले, क्योंकि आइंदा 1-2 साल के अंदर वापस से पूरा परिसीमन होने वाला है, अलग अलग सीटें बांटी जाएंगी। गुजरात के अंदर कई जगहें ऐसी है, जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे सड़क के उस पार आप देखें तो वो अलग विधानसभा क्षेत्र है, सड़क के इस पार अलग विधानसभा क्षेत्र है। तो ये गुजरात में इसी तरीके से डिवाइड किया गया है मुसलमानों को। जैसे आप मान के, आपको एक बात बताता हूं मैं, एक सीट है दाणी लिमड़ा, वहां पर मानिए कि तकरीबन 45-50 बल्कि 55-60% मुसलमान वोट है वहां पर, लेकिन उसको रिजर्व किया गया, वहां पर दलित ही इलेक्शन लड़ सकता है। अब जो होता है कि भाई चलिए 10 साल के बाद में आपको अब कहेंगे और फिर घुमाना है, अब वो वहां से उस सीट को आरक्षित सीट से निकाल कर अब नॉर्मल सीट में उसको डालना है, तो ये लोग क्या करेंगे। अब जो मुझे खदशा लगता है कि आज तक तो वो जो 55-60% जो मुसलमान थे वो मजबूर थे, उन पर थोपा जाता था एक दलित को कि आपको इसी को वोट देना है, आप और किसी को वोट नहीं दे सकते हैं, तो आपके बड़े वोट होने के बाद भी आप अपना एक उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते हैं। अब ये होगा कि अब वो सीट आरक्षण से हट जाएगी, तो उसके बाद में वहां पर डिवाइड होगा, जो 50-60% जो मुस्लिम वोट है उसको इस तरीके से उसका परिसीमन किया जाएगा कि उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा, एक को उत्तर में, एक को दक्षिण में, एक को पूरब में, एक को पश्चिम में। तो यानी मुसलमानों के वोट की कुछ अहमियत ही नहीं रहेगी। 25-25 हजार आप इधर उधर फेंक दो मुसलमानों के वोट को उठाकर, तो क्या काम में आएंगे वो वोट। तो इसीलिए मुसलमानों को इस चीज को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। जब आप समझने लगेंगे वहां तक आपका वजूद नहीं रहेगा, वहां तक समाज में आपका बॉयकॉट पूरे तरीके से हो चुका है, बिजनेस आपके साथ में कोई करना नहीं चाहेगा, और आखिर में जब यह आएगा कि आप वोट देंगे भी तो आपके वोट की कोई अहमियत रहने वाली नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों को क्या करना क्या नहीं करना, डायलॉग के अलावा कोई चीज मुसलमानों के पास नहीं है कि संविधान के दायरे में रहकर डायलॉग करे कांग्रेस पार्टी से, डायलॉग करे MIM से, डायलॉग करे आम आदमी पार्टी से, जिनसे आपको सही लगता है आप उनसे डायलॉग करें, उनसे बात करें आप कि आप हमें क्या देंगे ये बताइए, आप हमें वोट लेकर जीतना तो चाहते हैं लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा। हमेशा मुसलमानों को फुटबॉल बनाया, ओवैसी ने फुटबॉल बनाया, केजरीवाल ने फुटबॉल बनाया, कांग्रेस पार्टी ने फुटबॉल बनाया,
तो अब क्या करेंगे आप बताइए। ओवैसी के 5 जो विधायक जीते थे, बीच में खबर आई कि वो जा रहे हैं भाई दूसरी पार्टी के अंदर, बिहार के जो एमएलए थे वो। तो ये जो चीजें हैं ये समझनी चाहिए मुसलमानों को कि पहले से आप इस, क्योंकि देखिए ना छोटा सा समाज है गुजरात में, जैन समाज, बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनका डायलॉग इतना जबरदस्त होता है बीजेपी के साथ में कि बीजेपी मजबूर होती है उनकी बात को मानने के लिए। तो क्यों मुसलमानों ने अपने आप को इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया, आप डायलॉग की पोजीशन में आप क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने खुद को अपने एहसास कमतरी का आप शिकार है। हमारे देश का युवा खुद जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है। आप देखिए गुजरात के अंदर जो मुस्लिम पोश इलाके हैं, आप जाइए अच्छे कुछ इलाकों में, आपको वहां पर अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आपको वहां पर अच्छे अच्छे शोरूम्स मिल जाएंगे, आपको वहां अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी, आपको वहां अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? ये अब भी अक्कल नहीं आई आप लोगों के अंदर कि आप 2 घंटा जाकर हाईफाई रेस्टोरेंट के अंदर आप लाइन में बैठेंगे आप चिकन बर्गर खाने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप पैसा बिना वजह कहां कहां लुटवा रहे हैं। आपके मोहल्ले के अंदर एक अच्छी स्कूल नहीं है? 27 साल ये मोदी का कैसा राज रहा, कैसा गुजरात मॉडल था ये कि आपको एक स्कूल नहीं दे सके वो, आपको एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे सके वो? अरे मुसलमानों के लिए स्कूलों की और हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी मुसलमानों को खुद लेनी पड़ेगी अब कि भैया हमारी कोई संस्था आए हमारे इलाके में स्कूल खोले। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने डायलॉग मजबूती के साथ में नहीं किया, और देर हो उसके पहले डायलॉग अब भी वक्त है। 8 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का जो भी वक्त है, बिल्कुल मुसलमानों को एक होकर बात करनी चाहिए, डायलॉग करने चाहिए कि आपको हमारा अगर वोट चाहिए तो कम से कम जो सीटें ऐसी है जहां पर, अब आप सोचिए गुजरात की एक, मैं आपको बताऊं, जिग्नेश मेवाणी जब चुनाव लड़े तो वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया उनके सामने। क्या अगर कोई मुसलमान ऐसे इंडिपेंडेंट लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, उसको डर लग रहा है कि हमारा हिंदू वोट छटक जाएगा। तो मुसलमान तो जो है वो इस तरीके से खड़ा हुआ है कि एक तरफ खाई है एक तरफ कुआ है, तो करे क्या मुसलमान? तो बात वही आती है काजमी साहब के डायलॉग के अलावा मुसलमानों के पास में दूसरा तीसरा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ डायलॉग करना पड़ेगा। अगर आप आंखें मीच कर आंखें मूंद कर अगर आप मान लीजिए ओवैसी के साथ भी भाग जाते हैं तो ओवैसी कितनी सीट जीत कर आएंगे, कितने मुसलमान विधायक बनाएंगे वो, क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे वो, ये तमाम चीजों को साथ में हमको ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम आपके वोटों की इतनी ताकत है, आप कांग्रेस पर दबाव बनाइए, आप ओवैसी पर दबाव बनाइए, करिए गठबंधन अगर आपको वोट चाहिए तो, हमारा जहां आपका गठबंधन का उम्मीदवार होगा वही हम आपको वोट देंगे, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे। करिए आप ऐसा करके देखिए, वरना बॉयकॉट कर दीजिए आप चुनाव का, नहीं देंगे हम वोट, पे हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं है, हम वोट देते हमारा विधायक भाग जाता है बीजेपी के अंदर तो क्या करेंगे हम वोट देकर। तो कोई ठोस मजबूत हिकमत अमली मुसलमानों को बनानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता मुसलमानों के पास में नहीं है। या फिर यह होगा कि मुसलमानों को आदत डाल लेनी पड़ेगी अब कि भाई हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं, हम अपना सर झुकाकर जिएंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें वोट से मतलब नहीं है, बस हमें जीने दो, आप हमारे माए बाप हो, या तो ये मान ले मुसलमान फिर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मुसलमानों के पास। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, ये बहुत ही अहम और बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल की तरफ आपने इशारा दिया, और ये भी बताया कि मुसलमान खुद भी अपने जो काम जिस तरह से करने चाहिए वो नहीं कर रहे, स्कूलों और अस्पतालों के लिए जो काम होना चाहिए था सरकार ने नहीं किया, तो खुद उनको भी, इतने बड़े बड़े कारोबारी हैं उन्हें खुद भी अपने स्कूल कायम कर लेने चाहिए, जैसे साउथ इंडिया में बहुत से हैं, कर्नाटक से जो हिजाब वाला मामला उठा, वहाँ अभी मैं खबर देख रहा था कि 12 कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है, मुसलमान अपने कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते दूसरे राज्यों में भी? आखिर में एक बात और कहूंगा काजमी साहब, आप देखिए जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपने कहा मुसलमान काफी, आप लुलू का ही बात कर लीजिए, अब लुलू को क्या जरूरत है प्रदेश में इतना बड़ा ये बनाने की, भाई हॉस्पिटल बना देता, अच्छे स्कूल्स बना देता, क्या जरूरत थी उसको इतना बड़ा मॉल बनाने की? तो मैं वही कहूंगा जहां पर सही पैसा लगना चाहिए वहां पर मुसलमान बिजनेसमैनों का पैसा नहीं लगता है, और उल्टा जो मुस्लिम बिल्डर और जो लोग हैं वो तो उल्टा मुसलमानों के पैसे को बिल्कुल गर्क में डाल रहे हैं वो लोग, तो बहुत ही हर तरह से मुसलमानों को जो है वो बड़ी पसोपेश में मुसलमान। और हालांकि स्कूल भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, स्कूल में भी लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें पैसा जाता ही है, अब तो वो बिजनेस मॉडल भी है बाकायदा, और उस पर अगर लोग कारोबार करें, अच्छा स्कूल दें, तो आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर रास्ता बने, और समझदार जब लोग होंगे तो वो अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। बहुत से मुल्कों में माइनॉरिटी में मुसलमान रहते हुए भी काफी मजबूत हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने वहाँ के सियासी हालात, मुसलमानों की मजबूरी,
मुसलमानों की अपनी कमियां और मोदी और अमित शाह के लिए गुजरात की अहमियत और केजरीवाल हार्डलाइन हिंदुत्व के साथ 300 यूनिट बिजली देने की बात करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस को खत्म करने के लिए, ये बहुत ही अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।